हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के आंध्र प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा शहर विशाखापट्टनम के खूबसूरत और लोकप्रिय घूमने की जगह के बारे में बात करने वाले हैं। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश की राजधानी होने के साथ साथ इस राज्य का सबसे बड़ा शहर है। इस शहर को पूर्व का गोवा भी कहा जाता है। हर साल की भारी संख्या में पर्यटकों का यहाँ आना जाना लगा रहता है और खूबसूरत रेतीले समुद्र तट, लेटर हाइट पहाड़ी और आकर्षक पार्क यहां आने वाले पर्यटकों का मन मोह लेते हैं। मुख्य रूप से इस शहर को औद्योगिक शहर के रूप में भी जाना जाता है। परिवार या दोस्तों के साथ वीकेंड पर छुट्टियां बिताने के लिए विशाखापट्टनम बहुत अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। हम बात करेंगे विशाखापट्टनम के टॉप 6 पर्यटक स्थल के बारे में। अगर आप इस चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर ले ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। मैं कुंदन कुमार और आप देख रहे हैं के अब कुंदन। टॉप 6 की बात करें तो टॉप 6 पर आता है लाइट हाउस। विशाखापट्टनम में घूमने की यह एक लोकप्रिय जगह है जिसको देखने के लिए काफ़ी संख्या में पर्यटक आते जाते रहते हैं। लाइट हाउस रामकृष्ण बीच से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह लाइट हाउस दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक खुला रहता है। अगर आप विशाखापट्टनम की यात्रा कर रहे हैं तो इस लाइट हाउस को देखने ना भूलें। टॉप 5 की बात करें तो टॉप 5 पर आता है अर्धा बीच। विशाखापट्टनम में घूमने की जगह अर्धा बीच विशाखापट्टनम के फेमस बीच में शामिल है, जहां की प्राकृतिक सुंदरता बेहद ही अद्भुत देखने के लायक है। यहां एक पर एक तरफ बंगाल की खाड़ी तो वहीं दूसरी तरफ 3 खूबसूरत पहाड़ियों का मूत्र मुग्ध कर देने वाला दृश्य प्रस्तुत करती है। सूर्योदय और सूर्यास्त का नज़ारा यहाँ पर बहुत ही आकर्षक होता है, जिसको देखने के कई पर्यटक आते हैं। टॉप 4 की बात करें तो टॉप 4 पर आता है सबरीन म्यूजियम। विशाखापट्टनम के सबसे प्रसिद्ध संग्रहालय में से एक है, जो कि रासिकोंडा बीच पर स्थित है। इस संग्रहालय में आप INS कुरुसुरा नामक पनडुब्बी को देख सकते हैं। काफ़ी संख्या में पर्यटक यहां देखने को आता है। टॉप 3 की बात करें तो टॉप 3 पर आता है बोरा गुफा। यह गुफा विशाखापट्टनम में घूमने की जगह लगभग 700 मीटर की ऊंचाई पर स्थित बोरा गुफा विशाखापट्टनम टूरिस्ट प्लेसेस में शानदार जगह है, जो अराकू घाटी में अंतगिरी पहाड़ियों के बीच इस गुफा को देश की सबसे बड़ी गुफाओं में से एक माना जाता है, जिसकी खोज 1807 में हुई थी। इस गुफा को देखने आपके लिए एक अद्भुत अनुभव होगा। अपनी विशाखापट्टनम यात्रा के दौरान इस गुफा को भी अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। टॉप 2 की बात करें तो टॉप 2 पर आता है कटकी झरना। यह झरना विशाखापट्टनम में घूमने की सबसे खूबसूरत जगह है। जुगस्तानी नदी से निकलकर यह झरना 48 फीट की ऊंचाई से गिरता है। आसपास का प्राकृतिक सुंदरता युक्त हरा भरा सुहाना वातावरण पर्यटकों को बेहद पसंद आता है। ट्रैकिंग जैसी रोमांचक एक्टिविटी को भी आप यहां भरपूर एंजॉय कर सकते हैं। टॉप 1 की बात करें तो टॉप 1 पे आता है कैलाश गिरी। विशाखापट्टनम के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है, जो कि एक है 360 फीट ऊंचाई खूबसूरत पहाड़ और यह पहाड़ भगवान शिव और पार्वती का विशाल मूर्तियों के कारण बहुत प्रसिद्ध है। यहां से आप बेहद खूबसूरत और मनमोहक दृश्य देख सकते हैं। भारी संख्या में पर्यटकों का यहां आना जाना लगा रहता है। अगर आप विशाखापट्टनम की यात्रा कर रहे हैं तो इस स्थान को देखने जरूर